सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके। सो गाइस, मैं फिर से आ गया एक न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है, फीमेल यूट्यूबर, जो जाके पाकिस्तान की जनता को ये पूछ रही है कि पाकिस्तानियों को क्यों टेररिस्ट कहा जाता है। हर मुल्क में ये दर्जा मिला हुआ है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की जाहिल जनता इस पर क्या कहती है। सो गाइज यार, स्टार्ट करने से पहले यार बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज यार गाइज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है ना, सबसे पहली बात हो, मैं ये कहना चाहूंगा, मुसलमान कभी जिंदगी में टेररिस्ट नहीं हो सकता। भाई रुक 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 रुक, मुझे लगता है आपने गलत लाइन बोल दी। आपको ये बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान के मुसलमानों के अलावा और कोई टेररिस्ट बन ही नहीं सकता। आपकी खुद की गलती को बाकी सारे मुसलमानों पे क्यों डाल रहे हो आप? एक बात, दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास एटम बम है, उसकी वजह से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के ना, यानी कि झिझकते हैं कि ये पाकिस्तान के पास एटम बम क्यों है। हाँ भाई, बिल्कुल झिझकना चाहिए यार, क्योंकि भाई तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, मुल्क कंगाले के ओर जा रहा है। कहीं भूख के कारण तुम खुद पर आटम बम ना गिरा दो तो भाई झिझकना चाहिए, हर मुल्क को झिझकना चाहिए यार। और तीसरी मेन बात यह है कि जब तक मुसलमान मौते देना और हम लोगों को ऊपर नहीं आने दिया जा रहा, हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी एटॉमिक इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये जितनी भी क्रीम हैं, ये सारी यूएस, कनाडा, अमेरिका में जाके जॉब्स करते हैं, और इस वजह से वो लोग, उनकी ये कोशिश होती है कि हम लोग पाकिस्तान या मुसलमान को खरीद लें। मुसलमान जो है वो कभी भी बिक नहीं सकता। भाई यार, मुझे पहली बात तो ये बता, यूएस और अमेरिका दोनों अलग अलग है क्या ये जो बोल रहे हैं? और भाई आप पाकिस्तानी को क्यों कोई मुल्क खरीदना नहीं चाहेगा? क्योंकि बम बनाने की और फोड़ने की जो दिमाग और एबिलिटी आपके पास है वो दुनिया के और कोई मुल्क के पास नहीं है भाई। में किसी की डोनेशन चाहिए। से बड़ा अगर हम अपने पॉलिटिक्स की बात करें तो उनकी डोनेशन कहाँ है? पॉलिटिक्स में देख लें, नून लीग को देख लें, अभी तक कोई डोनेशन सामने नहीं आई, बल्कि आई नहीं है, जा जरूर रही है। इसी तरह किसी को भी देख लें, इमरान खान ने एक कॉल की है, मैं जनरल जी बात कर रहा हूँ, इमरान खान ने एक कॉल की, उसने 5 अरब रुपया एक कॉल में इकट्ठा किया, कोई और क्यों नहीं करता? किसी से हो रही नहीं है ये पैसे इकट्ठे। यार इमरान खान ने एक कॉल पे इतना पैसा इकट्ठा कर लिया और हमें पता ही नहीं। हमें तो छोड़ो, इसकी बात पाकिस्तानी मीडिया को भी पता नहीं है। वाह इमरान जी, आपने तो एक कॉल में 5 बिलियन। भाई मुझे जितना पता है 5 अरब मतलब तकरीबन $5 बिलियन होता है, 5 अरब का मतलब, मुझे जितना नॉलेज है भाई, एक कॉल में 5 बिलियन आपने इकट्ठे कर लिए। वाह भाई, मुझे लगता है इमरान खान जी को फिर से पीएम बना देना चाहिए। ये इसी तरह एक एक कॉल करते रहेंगे और बिलियन ऑफ डॉलर्स आपके पाकिस्तान में आते रहेंगे, फिर ना ही आपको भीख मांगनी पड़ेगी और आप मतलब एक दिन में ही अमीर देश बन जाओगे एकदम से भाई, सच में। मगर इस टाइम मिसाइल्स अगर हम देखें, रॉकेट्स अगर हम देखें, स्पेस की बात करें, मतलब हर चीज में और भी बहुत मुल्क है जो ऊपर चले गए हुए हैं, लेकिन आज भी हम कहते हैं हमारे पास एटमी ताकत है। असल में ये जो एटम बम बनाया हो ना, अल्लाह ना करे कि इसको चलाने की ज़रूरत पड़े, और इंशाल्लाह ताला हमारी जो पाक आर्मी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, वक्त आने के ऊपर सबको पता चल जाएगा। 2 साल पहले आपने देखा था वो जंग। हाँ भाई, आपकी पाकिस्तानी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग है, इसलिए 1971 वॉर में आपके 93,000 सैनिकों ने इंडिया के आगे सरेंडर कर दिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमने ये एटमी ताकत का करना ही क्या है? हमें जंगों की जरूरत ही क्या है? हमने जंगे करनी ही क्यों है? हम अगर जंग करना ही चाहते तो इकोनॉमी अच्छी करके क्यों ना दूसरे मुल्क को मात दें? जंग तो आजकल वैसे ही हर मुल्क में जंग चल रही है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई इज्जत के पीछे भाग रहा है, कोई प्रोडक्ट्स के पीछे भाग रहा है। जब तक यूनिटी नहीं है ये जंगों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जो एटम बम का आपने सवाल किया, ये वक्त आने पर इंशाल्लाह ताला अगर किसी ने हमें मेली आंख से देखा ना, हम इसको चलाना भी जानते हैं, और ये चूड़ियां पहनने के लिए नहीं रखा गया, ये चलाने के लिए लिया है। भाई बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि इसके घर में ही 2-4 आटम बम हो। रुको, ये पाकिस्तान है, इधर साला कुछ भी हो सकता है, क्या पता इसके घर में 2-4 आटम बम ही हो जाए, क्या पता भाई। अच्छा आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं, अभी आप देख लें हमारे साथ जितने ममालिक मुस्लिम ममालिक है, वो सब इंडिया की तरफ रुझू क्यों करें, पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं? नहीं इस चीज का मुझे, मैंने आपसे सुना है कि इंडिया की तरफ। सऊदी अरेबिया, मेरी बात सुने, सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा ट्रेड करे इंडिया के साथ, बांग्लादेश जिसने क्लेम कर दिया हम पार्ट है इंडिया का, उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान जो है पाकिस्तान को कुछ से समझते हैं, अफगानिस्तान इंडिया की तरफ रुझू कर। ये एक बहुत बड़ी मोनोपोली है अमेरिका की,
उसने देखें सऊदी अरेबिया के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। इंडिया जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि एशिया के अंदर हम लोग आगे आ सकें, लेकिन इज्जत और जिल्लत जो है वो खुदा के हाथ में है। भाई मुझे ये बता तुम्हें क्यों कोई आगे आने दे, क्योंकि तुम फिर से ऊपर आकर फिर से टेररिज्म फैला सको हर देश में। दूसरी बात मैं मेन बात ये करना चाहूंगा कि जितने भी कंट्रीज हैं, जितने मर्जी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो मर्जी हमारे अगेंस्ट हो जाए, लेकिन अगर मुसलमान यूनिटी में है ना तो ये कभी भी नाकाम नहीं हो सकते इंशाल्लाह। थैंक यू सर। बिल्कुल भाई तुमने बिल्कुल सही बात की है, तुम्हें कोई भी नाकाम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो साला बड़े बड़े बिलियनियर हो, तुम्हारा पाकिस्तान तो एकदम मतलब ऊपर हाई उठ चुका है। क्या बताऊं यार, शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें ऐसी बात करते हुए। पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है ही नहीं, पाकिस्तान जितना पीसफुल मुल्क है ना दुनिया में नहीं है। अरे चाचा जी कहाँ थे इतने सालों से आप, पिछले साल ही तो पाकिस्तान को तो मोस्ट पीसफुल कंट्री का अवार्ड मिला था। क्या बात करते हो यार आप। हमें तो बल्कि खुद टेररिज्म का सामना करना पड़ रहा है, पिछले 9/11 जो हुआ था ना वाकया अमेरिका में 2001 में, उस वक्त से हमें इस टेररिज्म का जो वहाँ पर कुछ लोग पकड़े गए थे जब ये बात क्लेम हुई थी कि पाकिस्तान ही टेररिस्ट मुल्क। पाकिस्तान टेररिस्ट कभी जिंदगी में, जब से ये 75 साल हो गए हैं ये बना हुआ है, कभी पाकिस्तान का हमेशा सॉफ्ट इमेज रहा है, कभी हमने टेररिज्म, हमने हमेशा इसकी मुखालफत की है टेररिज्म की, हम कभी भी टेररिस्ट की तरफ नहीं जाए ना हम टेररिस्ट मुल्क बनना चाहते। कहा क्यों जाते हैं वो दुनिया जो कह रहे हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो पाकिस्तान का हर कोई दुश्मन है, पाकिस्तान का मतलब एक मुस्लिम मुल्क हो या नॉन मुस्लिम मुल्क हो हर कोई पाकिस्तान का दुश्मन हो। नहीं वो इंटरनेशनल लॉबी जो होती है मुखालफ होती है वो करते हैं, लेकिन हम तो इंशाल्लाह पूरे पूरी दुनिया में एक अच्छा मुल्क है। अरे दीदी जी चाचा जी से कुछ मत पूछो, चाचा जी को सब कुछ पता है। चाचा जी को एक्चुअल में पाकिस्तान इतना अमीर देश है ना कि सब मुल्क मिलके पाकिस्तान को नीचे लाना चाहते हैं। असल में जो जो कंट्री बोलते हैं ना कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, वही साले सबसे बड़े टेररिस्ट कंट्री है। अरे चाचा जी को कोई पाकिस्तान में अवार्ड दिलवाओ यार। इंडिया का कोई दुश्मन नहीं है, इंडिया बड़ा मुल्क है और उसके इंटरनेशनल तअल्लुकात हैं, लेकिन इंडिया जो डायरेक्ट गति फैलाता है हमारे सूबा पंजाब बलोचिस्तान में, हमारे अंदरूनी मामलात में इंडिया ने कई दफा सबूत मिले हैं। कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया वो इंडिया के जासूस था, उसने बोला था मुझे इंडिया ने रा ने ट्रेनिंग देकर मुझे इधर पाकिस्तान में भेजा था, तो इससे बढ़िया सबूत और कौन सा है। हमारा कोई ऐसा डिटेक्टिव फटीचा कभी पकड़ा गया हमारा का जासूस नहीं, हम तो पूरा अमन मुल्क है, हम तो बहुत शुरू में। हाँ सालो तुम जासूस क्यों भेजोगे, तुम तो आतंकवादी भेजोगे ना जो आकर इधर मासूम लोगों की जान ले। क्या घटिया बात करते हो यार आप चाचा जी, शर्म आनी चाहिए आपको। फिर ये बताएं पाकिस्तान जो क्राइसिस में डूबा हुआ है, परेशानियां हैं, सलाब है, सब कुछ है, इसके पीछे हम लोग कहते हैं इंडिया है, इंडिया लगता है। नहीं पाकिस्तान को ना जो आप क्लाइमेट है चेंज आया हुआ ना, इसमें जो हुआ पिछले दिनों में करा वो तो कुदरती आफात है ना, नेचुरल क्लाइमेटीज क्लाइमेटीज है, कोई बात नहीं, वो तो हर मुल्क में अफेक्ट हुआ है इससे। चलो भाई ये ठीक है कि ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में जो फ्लड्स आया वो इंडिया की वजह से आया है, नहीं तो पाकिस्तान में आज भी ऐसे कुछ जाहिल लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में जो फ्लड्स आया है वो इंडिया की वजह से आया है। बताओ यार क्या बात है, हम क्यों कहते हैं इंडिया जिम्मेदार है? नहीं इंडिया जिम्मेदार उस वक्त होता है जब हम वो गलत से प्रेशर पानी हमारी तरफ छोड़ देता है, वो प्रेशर से पानी छोड़ता है तो हम डैम बना ले, तो वो पैसे से बनते हैं डैम, वो इतना IMF से कर्जा लिया हुआ इतना कम है वो तो उस... अब हमें इतना कर्जा मिला है, अब मेरी बात सुने 30 सालों में 13 मरतबा कर्जा मिला है, और क्या सिर्फ 2-3 लाख रुपया कर्जा मिलता है, बिलियन मिलियंस में कर्जे मिलते हैं। उसमें हमारा पर जो इतना कर्जा चढ़ा हुआ है पहले ऑलरेडी पहले चढ़ा हुआ है उसकी तो किस्त में आधी चली जाती है, फिर डिफेंस पर चला जाता है वो। इमरान खान के दौर में कर्जा लिया, सूद उतारा, ठीक है सूद उतारा कर्जा लिया, आहिस्ता आहिस्ता अगर करें तो क्यों नहीं उतरता? नहीं वो अभी जापान ने कर लिया, बांग्लादेश ने कर लिया, टर्की ने कर लिया, सऊदी अरेबिया ने कर लिया, फिर पाकिस्तान ने क्यों नहीं? अरे दीदी धीरे धीरे शांत शांत, आप तो चाचा जी को घेर लिए यार, आप थोड़ा देख के रहा करो, ये पाकिस्तान है, इधर किस वक्त कहां से आपके सवाल के वजह से कौन आप पर अटैक कर दे कुछ पता नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान कंट्री है दीदी, देख के रहा करो थोड़ा। चलो हम भी ये इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस ने ना IMF ये वो, हम इनसे आजाद हो जाएंगे, मुझे पता है हम वक्त के साथ हम आजाद हो जाएंगे, हम बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। सो गाइज ये था आज का वीडियो, सो गाइज कमेंट करके बताइए वीडियो आपका कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते इंडिया, जय हिंद।